हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरलाइज वेलोसिटी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, क्यू के। अब अगर मैं इस क्यू के का टाइम डेरिवेटिव कर दूं डी बाय डी टी इंटू क्यू के, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी। और डी क्यू के बाय डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू के डॉट लिख सकता हूं। किसको मैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का क्या किया मैंने, टाइम डेरिवेटिव किया। टाइम डेरिवेटिव करने के बाद मैंने उसको क्या लिख दिया, क्यू के डॉट लिख दिया। अब ये क्यू के डॉट क्या है, यहां पे जनरलाइज वेलोसिटी। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डेरिवेटिव को। हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में किया था, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में हम फिर से एक एन पार्टिकल सिस्टम को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन पार्टिकल सिस्टम तो हमने एक एन पार्टिकल सिस्टम माना, द जनरलाइज वेलोसिटी क्यू के डॉट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जब मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का टाइम डेरिवेटिव कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी आ जाएगा। डॉट हमने बताया था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे टाइम डेरिवेटिव को। नेक्स्ट पॉइंट, द पोजिशन वैक्टर ऑफ आर आई जो आर आई है वो क्या है, पोजिशन वैक्टर है किसका, आई एथ पार्टिकल का। और हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे विद टाइम टी। वहां पे हमने जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था हमारा जो टाइम था वो क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए हमने टाइम को वहां पे नहीं लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर आई वैक्टर, आर आई इज इक्वल टू आर आई वैक्टर क्यू वन क्यू टू क्यू एफ और टाइम। वहां पे टाइम क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए वहां पे हमने टाइम नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको इलर थ्योरम की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी आर आई इज इक्वल टू करली आर आई बाय करली क्यू वन इंटू डी क्यू वन प्लस करली आर आई बाय करली क्यू टू डी क्यू टू प्लस करली आर आई बाय करली क्यू एफ डी क्यू एफ, और साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में है तो साथ में ब्रैकेट टाइम के रिस्पेक्ट में और कर देंगे इसका, करली आर आई इंटू करली आ जाएगा यहां पे टी और डी टी। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बोथ साइड क्या कर देंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी। इक्वेशन नंबर वन को हम डी टी से क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, यहां पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या किया, बोथ साइड डीटी से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये डी आर आई था, इसके बारे में भी क्या आ जाएगा, डीटी आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डीटी से डिवाइड कर दिया। यहां पे डी क्यू था, डी क्यू वन बाय डीटी, यहां पे भी डीटी आ जाएगा, यहां पे भी डीटी और यहां पे भी डीटी। अब हम इस डीटी से इस डीटी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर बाय डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, वी आई से डिनोट कर दिया। अब मैं इस टर्म को क्या करूंगा, यहां पे समेशन, इस टर्म को, ये जो पूरी टर्म है इसको मैं क्या लिखूंगा, समेशन की फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास के इज इक्वल टू वन टू एफ, फाइनल क्या है, एफ है तो एफ तक जाएगी। डी आर आई समय कॉमन है तो ये, सॉरी करली आर आई समय कॉमन है तो ये आ जाएगा करली आर आई, और क्यू की वैल्यू वन टू थ्री सोन एन तक जा रही है तो ये आ जाएगा एन तक नहीं सॉरी एफ तक जा रही है तो ये आ जाएगा करली क्यू के
इनटू में डी क्यू के, यहां वन है, टू है, थ्री है, तो एफ तक जा रही है, तो यहां पे क्यू के बाय डी टी प्लस ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज ये आ जाएगा कर्ली आर आई बाय डी टी। अब मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं क्यू के डॉट, ये क्या है हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अब ये क्या थी हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी, उस लास्ट इक्वेशन में इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, मेरे पास जनरलाइज वेलोसिटी क्या आई थी डी क्यू के बाय डी टी। अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू के डॉट आएगा। तो ये वैल्यू मैं यहां पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू समेशन के वन टू एफ करली आर आई बाय करली क्यू के, और इसकी जगह क्या आ जाएगा क्यू के डॉट प्लस करली आर आई बाय डी टी या फिर करली टी। ये क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी का। तो यहां पे क्यू के डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी का। थैंक यू।